का काम हो, सीवर का काम हो, सारा सारा पैसा आपके इलाके में लगाया। और क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एजुकेशन पे बहुत काम किया, हमारे इलाके में भी लगभग 3 स्कूल बने। एक तो सराय गली के सामने ही बिल्डिंग बन रही है, एक ईदगाह के सामने स्कूल बन के तैयार है, इस सेशन से चालू हो जाएगा। एक बल्ली मारान के अंदर चश्मा बिल्डिंग स्कूल पहले 7 कमरों का था, अब वो माशाल्लाह 32 कमरों का बन रहा है, 4 मंजिल नई तामीर हो रही है उसके अंदर। हमारी बच्चियां उसमें पढ़ती थी, उसके अंदर आर्ट साइड लेती थी, साइंस की कोई फैसिलिटी नहीं थी कॉमर्स की, उसके अंदर हमने साइंस लैब भी बनवा रहे हैं, और दोपहर के अंदर उसके अंदर हम लड़कों का स्कूल चालू करने जा रहे हैं। तो एजुकेशन की, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जगह की बहुत किल्लत है, जगह की किल्लत है। अभी कौमी स्कूल के लिए भी हम लोग केस जीत गए थे, फिरोज बख्श साहब केस जीत गए थे, लेकिन किसी वजह से वो जगह हमें नहीं मिल पाई। 4000 गज जगह हाईकोर्ट ने हमें कहा था कि सेलेक्टर हाउस में से इन्हें दे दो, लेकिन फिरोज बख्श साहब ने उसके ऊपर, अब मैं क्या आपको बताऊं, क्योंकि ये मंच है और माइक है, उनको बीजेपी ने जो है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का हैदराबाद के अंदर वाइस चांसलर बना दिया, इस चक्कर में हमें ये जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन हम इस पे दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे, और दोबारा यहाँ 4000 गज जगह ही लेके स्कूल तामीर कराएंगे इंशाल्लाह। और हमारे एरिया के अंदर पुराने स्कूल है, कौमी स्कूल है, शफीक मेमोरियल स्कूल है, एंग्लोर बिग स्कूल है, फतेहपुरी स्कूल है, मदनुल इस्लाम स्कूल है, ये सारे एडिड स्कूल है, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता। लेकिन अब हम वो लोग ऐसी पॉलिसी बनवा रहे हैं, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो गया है उसके अंदर इन स्कूल